नए साल की शुरुआत होते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन 2024 में जुट गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु को 20,000 करोड़ से अधिक की सौगात दी है। प्रधानमंत्री ने तिरुचिरापल्ली में 20,000 करोड़ से अधिक की नई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का नए टर्मिनल भवन भी शामिल है। इस दौरान पीएम मोदी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, मैं कामना करता हूँ कि वर्ष 2024 सभी के लिए शांतिपूर्ण और समृद्ध हो। यह सौभाग्य की बात है कि 2024 में मेरा पहला सार्वजनिक कार्यक्रम तमिलनाडु में हो रहा है। तमिल कुडुंबमे मुदलिल उंगल अनैवरक्कुम 2024 पुत्तांड नलवाचक्कल। I wish that the year 2024 is fruitful and prosperous for everyone. It is a privilege that my first public program in 2024 is happening in Tamil Nadu. Today, development projects worth nearly ₹20,000 crore will strengthen Tamil Nadu's progress. साथ ही पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि 2004-2014 तक राज्यों को 30 लाख करोड़ रुपए दिए गए, लेकिन हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में 120 लाख करोड़ रुपए दिए हैं। हमने तमिलनाडु को उससे 2.5 गुना अधिक राशि दी है। 2014 से पहले के 10 सालों में केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों को 30 लाख करोड़ रुपए के आसपास ही दिए गए थे, जबकि हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में राज्यों को 120 लाख करोड़ रुपए दिए हैं। 2014 से पहले के 10 साल में तमिलनाडु को जितनी राशि केंद्र सरकार के मिली थी, उससे 2.5 गुना ज्यादा राशि हमारी सरकार ने दी है। पहले के मुकाबले हमारी सरकार ने तमिलनाडु में नेशनल हाईवे बनाने के लिए 3 गुना ज्यादा राशि खर्च की है। वहीं उस दौरान पीएम मोदी के साथ नागरिक उड़ान मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि हवाई अड्डे न केवल यात्रा का माध्यम बने, बल्कि हवाई अड्डे विकास का केंद्र बने। हवाई अड्डे पूरे देश के लिए रोजगार का केंद्र बने। गोल्डन चैप्टर इन द डेवलपमेंट ऑफ तिरुचिरापल्ली द ग्रोथ सेंटर ऑफ तमिलनाडु थ्रू दिस न्यू टर्मिनल बिल्ट एट अ कॉस्ट ऑफ ओवर 1100 करोड़। ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ तिरुचिरापल्ली We thank Prime Minister Narendra Modi ji for this gift, and under his leadership, the government has ensured that airports are not only a medium of travel, but airports become a center of growth, airports become a center of employment for the whole country. The one change that has taken place in the last 9.5 years, under Prime Minister's leadership in this sector, he has democratized सिविल एविएशन फॉर एवरी सिंगल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। इसी के साथ प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि भारत को तमिलनाडु की जीवंत संस्कृति और विरासत पर गर्व है, और पिछले कुछ सप्ताह तमिलनाडु के लोगों के लिए मुश्किल भरे रहे। हमने भारी बारिश के कारण कई लोगों को खोया है, संपत्ति का भी भारी नुकसान हुआ है। केंद्र सरकार इस मुश्किल समय में तमिलनाडु के लोगों के साथ खड़ी है। हम राज्य सरकार को हर तरह की संभव मदद उपलब्ध करा रहे हैं।